जहाँ पना, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। जहाँ पना, हमसे एका पोरीवर प्रेम आहे आणि आम्हाला त्या पोरीशी लग्न करायचं आहे। कृपया आपण आम्हाला लग्नाची परवानगी द्यावी अशी मी आपल्याकडे विनंती करतो। आम्हाला असे किती जण त्या पुरुषी विवाह करणार आहेत, कमीत कमी तिच्या कोमलतेचा विचार तरी पाहायला हवा। कोण आहे, कुठली आहे, राजघराण्याची तर आहे ना ती? नाही जहापना, वो किसी राजघराने की नहीं, एक सीधी साधी बहुत ही सुंदर सी लड़की है, अफरी नाम है उसका। सलेम, तुम अपने राजघराने की तौहीन कर रहे हो। नहीं अबाजान, हम आपके राजघराने की तौहीन नहीं, बाजू वाले खानदान की आफरीन कर रहे हैं। तुला मैं आफरीन करू देना ना जाफरीन करू देना, ते पण आमच्या मना विरुद्ध नहीं। ये शादी हम हरगिज नहीं होने देंगे। समाजात आमची पण इज्जत आहे, आम्ही तुम्हाला आमच्या प्रतिष्ठेशी खेळू देणार नाही, समजला सलीम? अब्बाजान, लाइन मार मार के पटाया है आफरीन को। प्यार करते हैं आफरीन से, लैला मजनू हीर रांझा सोनी महिवाल से भी पढ़कर प्यार करते हैं हम आफरीन से। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमारे सामने आ जाए, मैं साला झुकेगा नहीं। एक अच्छा लासू दे अब्बाजान, माझा नसात तुमचाच रक्ता है। लगता है तुमने मुगले आजम नहीं देखी है, कैसे दीवारों में हमने अनारकली को चुनवाया था, तुमने देखा नहीं होगा सलीम। नहीं अब्बाजान, अब हम अनारकली को भूल गए हैं, अब हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जहाँ पना, आमचं आफरीनवर मनापासून प्रेम आहे, मी तिच्या विना नाही राहू शकत। आणि जर आफरीनवर कोणी वाकडी नजर टाकली तर त्याला चिरून टाकू, समजलं? आणि एक लक्षात असू द्या अब्बाजान, आमच्या नसात तुमचंच रक्त आहे। ए सलीम चिरकुटा, धमकी देतो चिंते इलाहीला, काश उस दिन हम जल्दी सो जाते तो आज ये दिन हमारे नसीब में ना आता। आमच्या मनात आलं तर तुला आणि तुझ्या आफरीनला तोहफे टाकून उडून देऊ, समजला सलीम? अब्बाजान, आपको क्या लगता है हम आपके गीदर धमकियों से डर जाएंगे? जो सच्चा प्यार करते हैं वो बस खुदा से डरते हैं। आमच्या मनगटात जोर आहे, समजला? नादान परिंदे, तू शहंशाह से टकराता है, तेरे प्यार के इतने टुकड़े टुकड़े कर देंगे कि चुनते चुनते बूढ़ा हो जाएगा। नादान शहंशाह, आम्हाला माहित होता जेव्हा तुम्हाला ही गोष्ट कळल तेव्हा तुम्ही आमच्या प्रेमाला मारण्याचा प्रयत्न नक्की कराल, म्हणून आम्ही आफरीनला अंडरग्राउंड केलंय। आता तुम्हीच काय, तुमचे परिंदे भी तिथे पोहोचणार नाहीत, समजला अब्बाजान? सलीम, अब तो तुमने ठान ही लिया है तो हमारा भी नाइलाज है, हम तुम्हें हमारी सल्तनत और जायदाद से बेदखल करते हैं। सलीम, तू जा आता ये थोड़ी, अन तुझी जिथे घालायची तिथे घाल। म्हणजे इज्जत के बारे में बात कर रहे हैं हम, इज्जत के बारे में? हाँ ठीक है, हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अब्बा जान, हमने भी मैंने प्यार किया है देखी है, हम आज के सलीम है, उसने भी सलमान को उसके वालिद घर और जायदाद से बेदखल करते हैं, हम भी सलमान की तरह मजदूरी करेंगे और अपने खून पसीने की कमाई से आफरीन को खिलाएंगे। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, समझे जिल्ले इलाही? सलीम, तू ज्या नटीची गोष्ट करतो आहोस त्यासाठी आम्ही पण एके काळे वेडे झालो होतो, पण हमारे अब्बाजान ने हमारे एक ना सुनी, जबरदस्ती बांध दिया तुम्हारे माँ के गले में, तब जाके तुम्हारे जैसा नास्तिक पैदा हुआ। आज भी हमें पश्चाताप हो रहा है इस बात का। अब्बाजान, त्या नटीचं पण तुमच्यावर प्रेम होतं?
हिंदुस्तान की शान शहंशाह आलम जिल्ले इलाही यांचं मन तिच्या आला होता एवढं तिच्यासाठी काफी नाही का सर. आता पुन्हा जखमेवर वीर चोळू नका वरना आता माझी ही सटके प्यार में तो सिर्फ तर्क मिलता है शरीर खून खराब होता है. छोड़ दो इस प्यार को सनम छोड़. आपा जान यहां मैं प्यार की गंगा बहाना चाहता हूं और आप हो कि दुश्मनी के बीज बोना चाहते हो. फिर से राम जी पुत्र सलीम आम्हाला वाटलं होतं कि आपकी रगों में हिंदुस्तान शहंशाह जिल्ले इलाही का खून दौड़ रहा है पर हम ना समझते क्योंकि आपको प्यार के इंद्र ने डंक मारा है जिस कारण आपका खून ठंडा हो चुका है. जब अपना ही बीज गिनका हो तो किसी और को क्या बोले. वो कहावत तो सुनी होगी बीज बोया बबूल का तो आम कहां से खाओगे. अब्बा जान आप हम पर शक कर रहे हो. हम आपसे फिर से कह रहे हैं हमारी शादी आफरीन से करवा दो. तुम्हारी आधी लकड़ियां कब्रिस्तान और आधी लकड़ियां रास्ते में है. तुम्हारा क्या भरोसा अब्बा जान तुम्हें टीका हुआ पता हो जाओगे. हमें पता है सलीम इसलिए हमने सोचा था कि तुम्हारी शादी किसी शहजादी से करवा दे और तुम्हें बच्चे होंगे और हमें नाना नाना कहकर पुकारेंगे. लेकिन तुमने तो हमारे सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया सलीम. अब्बा जान तुम्हें एकदा परमिशन देऊन बघा कसे का रत्यात तुम्हाला नाना बनवतो तो तुम्ही बघाच. नहीं सलीम हम तुम्हें ये इजाजत नहीं दे सकते. तुम वही करोगे जो हम चाहते हैं क्योंकि तुम पर सिर्फ हमारा अधिकार है. आज आपके मुंह से एक बाप नहीं तो हिंदुस्तान का शहंशाह बोल रहा है और मैं कोई पंछी नहीं हूँ जो आप हमें कैद करोगे. और आफरीन से निकाह करने के लिए आप तो क्या पूरा हिंदुस्तान भी रोके तो मैं पीछे नहीं हटूंगा. समझे अब्बा जान. आप से हमें बगावत की कू आ रही है सलीम. अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारे आफरीन का सर कलम कर देंगे. तो ठीक है अब्बा जान आता मी पण दाखवतो माझ्या मनगटात किती दम आहे. सलीम तू तर एका दमात देंडूक नाही टाकू शकत आणि जिल्हे इलाही रडणार. आता कितीही जिल्हे इलाही येणं अथवा राजे येणं मी आपलं प्रेम मिळवणारच. तुम अपने अब्बा जान के साथ बगावत करोगे वो भी एक लड़की के लिए. हम तुम्हें आफरीन के बदले तीन तीन शहजादियां देंगे और कुछ साथ दासियां भी होंगी. सोचो सलीम सोचो हम आज के जमाने के शहंशाह हैं. तुम मीठे के साथ कुछ नमकीन भी खा पाओगे. राजा आपकी बातें सुनकर मुंह में पानी आ गया. रोजचा जेवणात तेच आणि तेच पांचक वरण भात खाण्यापेक्षा पंच पकवान खाल्लेले बरे. बजान आपकी बातें आप हमारे समझ में आ रही है. तो ठीक है सलीम हम तुम्हारे लिए रानियों की लाइन लगा देंगे जो तुम्हें पसंद आए बस उसे अपने लगे. अबा जान आपकी बात सर आंखों पर. अबा जान हम आपको वचन देते हैं कि हम आपको इतने नवासे देंगे कि आप सोच भी नहीं सकोगे. पर अबा जान हमें बातों में फंसा कर आप हमारे जिंदगी में उंगली तो नहीं करोगे ना. हम तुम्हें वचन देते हैं सलीम हिंदुस्तान के शहंशाह और जिले इलाही की जबान है ये. तो ठीक है अब्बा जान हम अपना प्यार आपकी सल्तनत और आपकी इज्जत के लिए कुर्बान करते हैं. पर अब्बा जान आप अपनी बातों से मुकर तो नहीं जाओगे ना. हमारा वचन ही हमारा शासन है सलीम. काय झालं किती वेळ काय करायला गोटा खेळा की फसी पुसायला किती वेळ झालं. आणि आज तू इथं गारवा मला झापड मारतोस आणि तू झाडून काढलास काय. जाय तिकडे झाडून काढ चल तिकडे. यार आम्ही एवढं मनापासून व्हिडिओ बनवता तुम्ही व्हिडिओ तर बघता पण चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरता. खरं सांगू का व्हिडिओ बनवण्यासाठी खूप मेहनत लागते यार. तर प्लीज आमच्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनची घंटी दाबायला विसरू नका जेणेकरून आमचे नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. आणि तुम्ही पण हसा आणि सगळ्यांना हसवा.